रविवार की देर रात बदमाशों ने एक मुखिया प्रत्याशी के समर्थक को गोली मार दी। वहीं इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जबकि घायल युवक ने वर्तमान मुखिया को आरोपी बनाते हुए स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मुखिया प्रत्याशी शांतनु सिंह प्रिंस ने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुझे यह आशंका है कि मुझे गोली मारने की कोशिश की गई, यह महज संयोग है कि मैं बच गया और गोली मेरे करीबी समर्थक को लगी। उन्होंने प्रशासन से उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि लगातार आज भी हमारे समर्थकों को धमकाया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता बुलेट का जवाब बैलेट से देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम शांतनु सिंह प्रिंस है। मैं वर्तमान आगामी पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत राज सासामुसा से मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मैं चुनावी मैदान में हूँ। बीती रात मैं अपने पंचायत के शीतल बरदहा गांव में अपने जन समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रहा था, जिस समय वर्तमान मुखिया श्रीकांत सिंह, उनके 20-30 अज्ञात समर्थक, उनका भतीजा सोनू सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्य अचानक से वहाँ आ पहुँचे और आने के बाद वो लोग बिना कुछ कहे, बिना कुछ बात विवाद के हमारे एक समर्थक पे अभिमन्यु सिंह, जिसको कल उन लोगों ने गोली मार दी, उसको गोली लगा है। कल से न्यूज़ में वो चीज़ चल भी रहा है। मेरा प्रशासन से एक मांग है, पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से, कि जल्द से जल्द इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो। जो दो मुख्य अभियुक्त उसमें हैं, श्रीकांत सिंह और सोनू सिंह, उनकी गिरफ्तारी हो और साथ ही साथ प्रशासन हमें सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपने भी जान माल का खतरा नज़र आ रहा है इसमें। मुझे उसको देखते हुए मुझे खुद के लिए भी सुरक्षा की मैं मांग करता हूँ। कल की जो घटना हुई है उससे जनता में काफ़ी आक्रोश है, बहुत ज़्यादा जनता आक्रोशित है। उसका जवाब खैर जनता बुलेट का जवाब बैलेट से देने को तैयार है, जनता ने मूड बना लिया है। इसी लोकप्रियता को मेरे देखते हुए वर्तमान मुखिया श्रीकांत सिंह ने बौखलाहट में आके ये कदम उठाया और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि श्रीकांत सिंह पे पहले से भी दर्जनों आपराधिक मामले चल रहे हैं। पिछले दो साल पहले भी उनके ऊपर एक बिना लाइसेंस का हथियार उनके साथ पकड़ा गया था। यहाँ पे SDPO थे विनय तिवारी जी, उनके द्वारा आर्म्स एक्ट उनके ऊपर चल ही रहा है, 307 उनके ऊपर चल ही रहा है, 353 उनके ऊपर चल ही रहा है। कई मामलों में वो अभियुक्त हैं और उसके बाद भी खुले धांधली कर रहे हैं, खुले हमारे समर्थकों को धमका रहे हैं। कल गोली चलाएं, आज हमारे कुछ अन्य समर्थकों को धमकाया गया है उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, कि अगर जो तुम लोग उसका प्रचार में साथ में जाओगे तो तुम लोग का भी वही हश्र होगा जो कल भानु सिंह का हुआ है, अभिमन्यु सिंह का। तो इससे जनता काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है, जनता ने मूड बना लिया है बदलाव का। बुलेट का जवाब बैलेट से जनता देगी और इसी चीज़ को, इसी अपने हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो ऐसा कदम उठा रहे हैं लगातार। मैं प्रशासन से फिर से मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस पे उचित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अन्य जो उनके समर्थक हैं, जो नामजद नहीं है केस में लेकिन उनको अज्ञात में रखा गया है, प्रशासन उनकी भी पहचान करके, शिनाख्त करके उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे जल्द से जल्द। हम लोग का यही, मेरा यही मांग है प्रशासन से, मैं यही चाहता हूँ।